बहुत बहुत थैंक यू प्रभु जी, आज आपके कारण हम कीर्तन कर पाए हैं। आप हमें ऐसी प्रेरणा दो जो हम आपके तरह रोज कीर्तन कर पाए, आपके तरह हम भी सबको प्रभावित कर पाए। प्रभुपाद जी देंगे, आप प्रभुपाद जी के बहुत करीब हो। आप प्रभुपाद जी से हम सबके लिए वर मांगना कि हमें भी सब लोग नाम कीर्तन कर पाए, प्रभुपाद जी की भी भक्ति कर पाए, कृष्ण कृष्ण राधा राधा भी हम भी जप पाए, जैसे आप हो और मेरा भी एक बालक है वो भी ऐसे ही बन पाए, है ना। मेरे दो बेटे हैं, दोनों को भी आपके जैसे बनाना है मुझे, आपके पास लेकर आ जाऊं दोनों को मैं, आप उन्हें वैसे ही बना दोगे। वो लोग फोन बहुत देखते हैं, फोन छोड़ते ही नहीं हो, दोनों यूट्यूब देखते रहते हैं। हाँ, आप उन्हें डांट के उन्हें बोल देना कि भक्ति करो और फोन नहीं देखो, ठीक है ना। आप बहुत जल्दी दोनों को लेकर आऊंगा मैं आपके पास में। अजी पता है, मेरा दोस्त है ये कहता है कि पिज्जा भोग में नहीं दे सकते, पिज्जा लगा सकते हैं ना ठाकुर जी को भोग में, लगा सकते हैं ना। हम उनको समझाओ, सात्विक बनवा कर अच्छे से घर में बना के करते हैं ना। आप प्रभु जी के साथ में बनाते हो ना पिज्जा घर पर, है ना। आप मुझे भी खिलाओगे पिज्जा कभी? पापा नहीं तो। क्या बात है, क्या बात है। और आप हैदराबाद कब आ रहे हो? जब सेवा होगी तो। बहुत जल्दी आपकी सेवा हैदराबाद में होने जा वाली है, बहुत जल्दी आपको हमें हैदराबाद बुलवाना है वहाँ। आपको जल्दी जल्दी आना होगा हैदराबाद, हैदराबाद में भी सब में भक्ति लानी है आपको, आपकी जिम्मेदारी होगी। डन। देखो आपको सारी पाप की क्या होता जी, पाँच दिन बाद है, पाँच दिन बाद सब आपने जो पांच चीजें बताई हम उन्हें बिल्कुल रोजाना फॉलो करेंगे पक्का।